राज्यों में बीजेपी की भारी जीत और जश्न के बाद लेकिन पूरे देश भर में बीजेपी और जितने भी भाजपाई है वो सभी लेकिन जश्न में डूबे हुए हैं, घूम रहे हैं और पूरे देश में लेकिन पूरे चार राज्यों में लेकिन अगर हम लोग यूपी की बात करें, मणिपुर की बात करें, उत्तराखंड की बात करें और जो गोवा में भी लेकिन बहुत आगे लेकिन बीजेपी जो बढ़ रही है, खुशी की झलकियां जो है वो यहाँ पर सिलीगुड़ी में भी देखने को मिले। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो भी सदस्यगण है, कार्यकर्तागण है और इसी के साथ साथ सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला के जो अध्यक्ष नक्सल माटी का नक्सलगढ़ के विधायक आनंद बर्मन वो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं और जितने भी जीते हुए पार्षद वो सभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं और जश्न का माहौल जो है वो सिलीगुड़ी में देखने को मिल रहा है। अबील गुलाल जो है वो उड़ाए जा रहे, लगाए जा रहे, बधाइयां दी जा रही है और इसी के साथ ही साथ लेकिन ढोल नगाड़ों के साथ एक विजय रैली, जुलूस रैली जो निकाली गई। ठीक तस्वीरें हम आपको सिलीगुड़ी से दिखा रहे हैं सफदरजंग चौक की। सिलीगुड़ी से ये विजय रैली जो है वो हम आपको लगातार और इसी के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ताओं की अगर हम लोग बातचीत करें तो वो तस्वीरें देखने को मिल रही है और जितने भी जीते हुए कैंडिडेट हैं लेकिन वो भी इस रैली में मौजूद हैं, वही तस्वीरें लेकिन इस बीच देखने को मिल रही है। जस्ट जीत का ये जो माहौल है और ये जो तस्वीरें हैं वो साफ बयां करती हैं कि चार राज्यों में जिस तरीके से भारी बहुमत के साथ जो जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को, उसी की जीत का जश्न जो है वो पूरे देश भर में सभी जगहों पर जो बीजेपी कार्यकर्ता गण है वो सभी लेकिन मना रहे हैं और वही तस्वीरें लेकिन देखने को मिल रही है सिलीगुड़ी से ही। यहाँ पर विक्ट्री सिंबल दिखाते हुए जितने भी भाजपा कार्यकर्तागण हैं वो लेकिन अपनी विक्ट्री सिंबल दिखा रहे हैं और यही तस्वीरें लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी से।
सुनाई नहीं दे रहा है। देखिए इंडिया में एक नंबर पार्टी बीजेपी है, ये प्रूफ हो गया। अभी ममता बनर्जी गोवा में क्या किसके साथ कॉन्टेस्ट किया? नोटा के साथ कॉन्टेस्ट किया। ज्यादा बात उन लोग वेस्ट बंगाल में करता है, हम लोग सारा इंडिया नहीं वर्ल्ड में करते हैं। बीजेपी वर्ल्ड का एक नंबर पार्टी है, इसको प्रूफ कर दिया। अगली जो चुनाव होगा हम दावा करते हैं 2000 लोकसभा इलेक्शन में हम लोग लास्ट टाइम में 18 सीट मिला था, इस बार 18 प्लस होगा। ममता बनर्जी इसको नेक्स्ट इलेक्शन में वो उखाड़ जाएंगे पश्चिम बंगाल से, वो खत्म हो जाएगा। भाजपा दिखा दिया, पहले क्या बोलते थे जो गोबला का पार्टी है, ये उत्तर भारत का पार्टी है। अभी सेवन सिस्टर में तीन स्टेट में बीजेपी आ गया, सेवन स्टेट में अभी वहां से आ रहा है। नेक्स्ट आएंगे उड़ीसा पश्चिम बंगाल लेके नॉर्थ ईस्ट ग्रुप को नरेंद्र मोदी का नीति है वो चालू हो जाएगा। जो है वो हम आपको दिखा रहे थे, जहाँ पर बीजेपी के समर्थन में काफी सारे यहाँ पर जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता गण है, नेता गण है और उच्च जितने भी सदस्य गण है वो सभी लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और जितने भी नव निर्वाचित पार्षद गण है वो सभी लेकर यहाँ पर इस विजय जुलूस में शामिल हुए हैं। रविंद्रनाथ बोस से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि अभी बीजेपी की जो जीत देखने को मिल रही है देश के चार बड़े राज्यों में, लेकिन आने वाले समय में जब बंगाल में फिर से चुनाव होगा तो यहां से तृणमूल का अस्तित्व मिटा देंगे, कुछ ऐसा नहीं उन्होंने कहा है। यहां पर ढोल नगाड़ों के साथ भाजपा ही जितने भी है वो लेकिन पूरे तरीके से खुश है और इस जीत का जश्न मनाते हुए यहाँ पर जो विजय रैली विजय जुलूस है वो निकाली गई और उसी की अलग ये तस्वीरें वो हम आपको सिलीगुड़ी से दिखा रहे हैं। यहाँ से वो सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर महिलाएं पुरुष सभी लेकिन इस रैली पे हैं और खुशी खुशी लेकिन इस रैली के साथ आगे कदम से कदम मिलाते हुए जा रहे हैं, और पीछे लेकिन पुलिस बल जो है वो सुरक्षा के नाते इनके साथ जारी है। बहुत सारे दर्शक हैं जो अपने अपने कमेंट के माध्यम से अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीर जो है वो हम आपको विभिन्न जगहों से दिखाते रहेंगे। हालांकि आज भारतीय जनता पार्टी ने चार राज्यों में लेकिन जीत हासिल की है, और इसी के साथ ही साथ गोवा में लेकिन बहुत आगे है बीजेपी, और जश्न जो है सुबह से ही देखने को मिल रहा है सभी जगहों पर। जश्न जो है वो सभी जगहों पर सुबह से ही लेकिन देखने को मिल रहा है। विजय जुलूस जो है वो सफदर हासमी चौक से निकली है, अब लेकिन सेवक मोड़ तक आगे की तरफ बढ़ रही है, और जगह जगह पर इस तरीके से उत्तर बंगाल ही नहीं पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि जगह जगह पर जहाँ पर भी बीजेपी समर्थक कर रहे वो सभी पूरे देश भर में जश्न मनाते हैं। ठीक वही तस्वीरें इस वक्त हम लोग आपको यहाँ से